आज मैं फिर से वेस्ट चीज़ों से एक यूज़फुल चीज़ बना के दिखाने वाली हूँ आपको। और ये देखिए, ये है नेल पेंट रिमूवर। लेकिन होता क्या है, अगर लंबे समय तक आपने इसे यूज़ नहीं किया तो इसमें का ऑयल है सूख जाता है और ये नेल पेंट रिमूव करने के काम नहीं आता। फिर इसका क्या करें, इसको मैं फेंकूँगी नहीं, और इस तरीके से इसे फोल्ड करके डबल फोल्ड करेंगे और ऐसे धागे में पिरोते जाएंगे। और बीच बीच में कहीं कहीं पे मोतियाँ भी लगानी है। और ये मोतियाँ वही हैं जो रक्षाबंधन में से मैंने निकाले थे, सारे इकट्ठे किए थे। और फिर देखिए इस तरीके से इसमें के बीच बीच में मोतियों को डालेंगे और इसे फोल्ड करते हुए और गुथते हुए चले जाएंगे। और ये हो जाएगा रेडी। और फिर इसको हम बाकी मोतियाँ भी इसमें पिरो देंगे जो बचे हुए हैं। और अब इसको गांठ लगा देंगे ताकि वो निकले ना। अब देखिए मैंने गांठ लगा दिया। अब इसको घुमा घुमा के चारों तरफ कर देंगे, एक एक पेटल की तरह हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से इस शेप आ जाएगा अच्छे से फ्लावर जैसा। देखिए इस तरीके से घुमाने हैं इसे। ये हो गया, बाकी सारा भी इसी तरीके से कर देंगे। आगे भी बाकी जो भी बचे, अब देखिए हो गया शेप, इधर भी गांठ लगा देंगे। और बाकी बची जो मोतियाँ हैं दूसरे साइड भी हम पिरो देंगे। ये हो गया कंप्लीट। अब इस साइड भी हम गांठ लगा देंगे और फिर बराबर से फैला देंगे जो भी नेल पेंट रिमूवर का जो था उसको गुथे हुए थे। ये देखिए ये हो गया। अब इसको करना क्या है, इस तरीके से करके बराबर हो गया, दोनों तरफ गांठ लगा दी और इतने फूलों के गजरे जैसा हो गया है। अब इसमें हम ये आलता है पैरों में लगाते हैं, तो फिर इसको हम थोड़ा थोड़ा सा इस पर कलर लगा देंगे, आलते का रंग जो है इस पर लगा देंगे। अभी देखिए कितना अच्छा सा ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है, बड़ा ही सुंदर लग रहा है देखने में। और ये कई बार यूज़ कर सकते हैं, ख़राब होने वाली चीज़ नहीं। ये खाली डब्बा बचा है तो इसको हम रख लेंगे, यूज़ में आ जाएगा। सुई रख सकते हैं इसमें, बटन्स रख सकते हैं। अब इसको इस तरीके से लगाएंगे, या तो चोटी में भी आप लगा सकते हैं या फिर पोनी बनाया है तो उसमें भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही